अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, ऐसी खबरें हम हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और टेलीविजन में देखते भी हैं। कानून और प्रशासन ऐसे गुनेगारों के पकड़े जाने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन अगर कोई अपने ही घर में चोरी करे तब क्या करे? यह तो जाहिर है कि इस लड़की ने अपने ही घर में चोरी की, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उसने रुपए और जेवरात को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ एक चाबी की चोरी की। और ये चोरी करने के लिए उसने अपने माता पिता को बेहोश कर दिया और उस घर की एक बुजुर्ग महिला को अधमरा करके वहां से भाग गई। आखिर ये लड़की कौन थी और अपने ही घर से चाबी की चोरी का राज क्या था? क्या वो बूढ़ी औरत बच जाएगी? क्या ये महज अपने ही घर से चाबी चोरी का मामला था या फिर किसी बड़ी घटना की शुरुआत? इस तरह के इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम इन। सर, ये लोग केमिस्ट्री के वीकली टेस्ट में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इसके पहले प्रफुल्ल, उदय और विकास तीनों पकड़े गए थे सर। अब इनका गैंग इन लड़कियों ने भी ज्वाइन कर लिया है। इनकी वजह से स्कूल के सारे बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है सर। सर, हमने कुछ नहीं किया सर। शट अप। तो क्या वर्षा मैडम झूठ बोल रही है? और आप लोगों के पेरेंट्स आपको यहाँ स्कूल में चोर बनने के लिए भेजते हैं? मैं आप सबको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ और बाहर जाइए, कॉरिडोर में उठक बैठक लगाइए। और हाँ, एक हफ्ते बाद जब आप लोग आइएगा तो अपने अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आइएगा। अभी रोने की कोई जरूरत नहीं है, बदतमीजी करने से पहले ये सोचना चाहिए। नाउ गेट आउट। इस प्रिंसिपल के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। दादी, दादी। बेटा, क्या हुआ बेटा? दादी, आज मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी पापा ने मुझे सारा दिन कॉरिडोर में खड़ा रखा और बाकी बच्चों के साथ एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया और फिर खुद ही कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को लेकर आना। मेरी हीरे जैसी पोती ने ऐसा क्या कर दिया? ये भी कोई तरीका होता है? पापा, वो चीज मेरे नहीं थे, किसी ने मेरे पैरों के पास गिरा दिए। किसी ने तो कुछ किया ना, और जरूरत क्या है ऐसे लोग साथ उठने बैठने की? बेटा, वो बड़े घरों के बच्चे हैं, पढ़ाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही है अच्छी पढ़ाई करना। और ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं तुमको छोड़ देता और उनको पनिशमेंट देता? देखो, स्कूल में मैं प्रिंसिपल हूं और तुम भी बाकी स्टूडेंट की तरह एक स्टूडेंट, ओके? अरे विनो,
हमेशा अपना कैमरा ऑफ रखते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भूत से बात कर रही हूँ। अब तुम्हें अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी और इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। विनू, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल साहब जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सही है, हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। एक्चुअली मुझे जवाहर सर ने भेजा है। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए जी, आइए जी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ट्रस्टी साहब को कोई काम था तो मुझे घर बुला लिया होता। नहीं नहीं, हमारे सर आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बस एक छोटा सा लेटर दिया है, पढ़ लीजिए। उनके बेटे प्रफुल के साथ और दो लड़के थे, विकास और उदय, उनका सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए कहा है। आपने उन तीनों बदमाशों को छोड़ दिया? वर्षा जी, लैंग्वेज देखिए, वो स्कूल के बच्चे, कोई बदमाश तो है नहीं। तो आपको विनीता को भी अलाउ करना चाहिए सर, उसकी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना। वर्षा जी, वो ट्रस्टी के बेटे हैं और विनीता प्रिंसिपल की, तो स्कूल के जो रूल्स हैं विनीता को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बार तो बच गए, लेकिन इस खड़ूस प्रिंसिपल के रहते ना प्री बोर्ड्स क्लियर करना मुश्किल लग रहा है। हमें बहुत परेशान करने वाला है। इसकी बेटी तो बच जाएगी, हम मर जाएंगे। अबे क्या परेशान करेगा, उससे पहले तो ना प्रफुल अपने पापा को बोलकर प्रिंसिपल ही चेंज करा देगा। इतना आसान नहीं है उस खड़ूस को चेंज करना। आप बहुत ईमानदार है यार, उसूलों वाला भी, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ किया जा सकता है। हां सीरियसली, कैसे देखते जाओ। अरे हम गरीब आदमी भैया, हम क्या किए हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें। रघुराम, प्रफुल बाबू, हम क्या किए हैं जो हमका ये सब। अभी तक तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, अगर तुमने वो नहीं मानी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। रघुराम, तुझे मेरा एक काम करना है। अगर तूने ये काम कर दिया, तेरा ये जो मुंह है ना, ये मैं नोटों से भर दूंगा। लेकिन अगर तूने अपने गंदा मुंह खोला ना, तो याद रखियो, मैं अच्छे से पता तेरे छोटे छोटे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं और कौन से ट्यूशन में जाते हैं। अगर मुंह खोला तो बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा। आप जो काम कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे बच्चों को कुछ ना कीजिएगा। भाई यार कमाल कर दिया तूने, रघुराम का चेहरा देखने लायक था, मजा आ गया। यार ये अपने लिए काम करेगा ना? करेगा यार, इसका बाप भी करेगा।
अरे लेकिन इसने प्रिंसिपल के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? प्रिंसिपल ने जो किया है ना उसका खामियाजा तो उसकी बेटी को भुगतना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारा भाई क्या गेम खेलता। हम प्री बोर्ड में पास भी होंगे और बोर्ड में डिस्टिंक्शन नंबर्स भी लेके आएंगे। ये रोटी मैंने बना ली है और बाकी का काम आप करना ठीक है? मुझे पढ़ाई करनी है। घर के काम काज सीखना बहुत जरूरी है। देख रही हूँ आजकल बस कंप्यूटर के सामने बैठी है। पता है क्या होगा, दादी के जैसे चश्मा लग जाएगा। दादी आजकल पढ़ाई ना कंप्यूटर पे ही होती है। अच्छा, और अगर मुझे चश्मा लग गया ना तो तुम्हें आपकी तरह खूबसूरत लगूंगी, पता आपको? दादी हे बेबी, बहुत जरूरी काम है। मैसेंजर पर आऊँ ना, तुम्हें देखने का मन हो रहा है। कॉल नहीं, मैसेंजर पर आऊँ, वीडियो चैट करती। नहीं, वीडियो चैट नहीं, क्योंकि तुम कॉल पे अपना कभी चेहरा नहीं दिखाते। आज मैं अपना वीडियो भी ऑन करूँगा। अरे बेटा, हम आपके पापा हैं, कोई दुश्मन नहीं है आपके। आपके लिए गिफ्ट। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। आप फटाफट पहन के आओ। अच्छा तो हम लोग जो हैं आज खाना खाने बाहर चलते हैं। तो चले? हाँ चलो। अरे आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैंने घर पे खाना बना ली। अरे तो फ्रिज में रख दो, हमारी विनी का बर्थडे सेलिब्रेशन अब 2 दिनों तक चलेगा। आइए आजिए। Thank you.
आज हम लोगों की पिटाई होती। अगर मुझे टाइम पे कुछ याद ना, टिफिन बॉक्स, मेरा तो हलवा बना रही थी तुम्हारी मम्मी। जा। भानु, दरवाजा खोलो। भानु, कहाँ चले गए? माफ कीजिएगा सर, जरा हम लघु शंका को गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए चलिए। हाँ बेटा, आप यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप भी यहीं रुकिए। हाँ हाँ, मैं आता हूँ। हमारे शेड्यूल्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट को पहले हमें डिस्कस करना चाहिए था। जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, हमें इसका जवाब चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इसका कारण भी आप में से ही कोई है। किसी ने आप सबके एग्जामिनेशन पेपर्स को लीक करने की नाकाम कोशिश की है। अब ये बात जानते हुए भी अगर मैं निर्धारित समय पर पेपर्स लेता हूं तो बहुत सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, और खास तौर से उन बच्चों के साथ जो पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो इसलिए मैंने ये फैसला लिया। किसने किया ये सर? कौन है वो? इसे उसकी सजा मिलनी चाहिए सर। मुझे पता है कि वो कौन है। कौन है सर? वो आप सबके बीच में ही है। ये है वो जो आपके लीडर बने घूमते हैं, खुद तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, बाकी स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। चूंकि मुझे इनके भविष्य का भी ख्याल है, इसलिए स्कूल इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और भविष्य में दोबारा ऐसी मिसचीफ करने की कोई गलती ना करे इसलिए अब से क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास रहेंगे। खोर, तुमने अपना घटिया मुंह खोल ही दिया ना, तू भुगतेगा। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो पेपर निकाल रहे थे, लेकिन तब तक अचानक प्रिंसिपल साहब अपना भूला हुआ टिफिन वापस लेने आ गए, और उनकी आहट सुन के हम वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जल्दीबाजी में हम कंप्यूटर खुला ही छोड़ के चले आए।
दूसरा पेपर भी तू ही लाएगा, समझा? हमें केबिन में जाने का कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि केबिन की चाबी प्रिंसिपल साहब खुद ले गए हैं और उन्होंने बोला है कि ये पेपर की अब तभी जीरोक्स से निकलेगी जिस दिन पेपर हो। तो क्या करेंगे? करना क्या है? इस प्रिंसिपल को सबक सिखाएंगे और क्या? इतना लेट क्यों मैसेज कर रहे हो? वैसे तुम बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हो। बिना कपड़ों के? नहीं चाहती ना ये वीडियो किसी को मिले, तो अभी के अभी मुझे 50,000 रुपए ला कर दे दो। अगर तुमने किसी तरह की चलाकी की तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। चलो अब ये पैसे जहां से चुराए हैं वापस जाकर वहीं रख दो। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? बताऊंगा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। राहुल, ये वीडियो देखा क्या? दिखा दिखा। प्रिंसिपल की बेटी होने के बाद तुझे एक हफ्ते का सस्पेंशन मिल गया। हमें देख, अगले दिन ही वापस आ गए थे। कसम से यार, भगवान ने ऐसा खड़ूस बाप और प्रिंसिपल किसी को ना दे।
स्कूल में हो? एक काम करो, स्कूल से निकल जाओ और सीधे बुद्धा पार्क में आओ। आज मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। तो बस ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी, जब ट्रेनिंग पूरी कर लोगी तब मिलूंगा। गार्डन की दाई तरफ एक पाम ट्री है, माय गिफ्ट है। विनीता कहाँ है? अपने कमरे में है। क्यों? विनीता, विनीता यहाँ आइए। फिजिक्स की क्लास क्यों बंक की? क्लास में क्यों नहीं तुम? वो तबीयत खराब हो गई थी। ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे बिना बताए स्कूल से निकल गई तुम? अब लड़की चाहते हैं, बड़ी हो रही है, सब कुछ आपको थोड़ी ना बताएगी। विनू बेटा तुम कमरे में जाओ, आपके लिए चाय लाऊं? अपने पापा के स्कूल के केबिन की चाबियां चुरानी है तुझे, और वो चाबियां लेकर आज की रात ही अपने पापा के केबिन में जाना। इस बार तुमने ये काम कर दिया तो तुम पास हो जाओगी और तुम्हारा वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। ध्यान से वो गिफ्ट में मिले स्प्रे का इस्तेमाल करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहुंच गई। तुम्हारे पापा के केबिन में प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, उसे निकाल। ठीक है। निकाल लिया? हाँ मिल गए।
अब उसका फोटो कॉपी करो और वो लेकर तुम्हें दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओ। ठीक है, देखो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मेरा वीडियो जय बन के तुम चैट कर रहे थे, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। लेकिन मजा आया ना? मजा तो बहुत आया गेम में, क्यों दे? ये देख, अपना काम हो गया, प्री बोर्ड के पेपर। चल। लेकिन अगर इसने उस प्यून की तरह अपना मुंह खोल दिया तो? ताकि इसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अभी तो मजा दोगुना होने वाला है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं फुल लाइक नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं मैं फुल लाइक। चल निकल यहां से। और सुन, अगर ये पेपर लीक वाली बात किसी को पता चली ना तो ये वीडियो लीक हो जाएगा। गेट आउट। प्रिंटर को बोलो प्रिंटिंग स्टॉप करे अभी, मैं बस आधे घंटे पहुंच रहा हूं। मैं बेटा, विनीता तुम्हारे घर आई क्या? अभी तक घर नहीं पहुंची। विनीता कहां से आ रही तुम? रात भर कहां थी तुम? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुमने मेरे केबिन की चाबी चुराई, मेरे केबिन में जाकर तुमने क्वेश्चन पेपर्स की फोटोकॉपी की। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। मुझे लगा था कि उन लफंगों के साथ तुमने छोड़ दिया होगा। तुमने ऐसा किया, सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चोरी की क्वेश्चन पेपर के लिए ऐसा किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्या विनीता जवाब? यार पेपर फिर से चेंज हो गए। ये प्रिंसिपल ना ऐसे मानेगा? मानेगा नहीं। बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। देखिए ना वीनू दरवाजा नहीं खोल रही, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। एक बार आप बात करके देखिए ना। सुनिए वीनू, वीनू बेटा देखो माँ दरवाजा नहीं खोल रही है। विनायक पता करो ये वीडियो फेक नहीं रियल लग रही है, और जल्द से जल्द ये विक्टिम कौन है इसके लिए साइबर टीम से संपर्क करो। जी बेटा। वर्षा जी ये सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? सर मैं आप ही के पास आ रही थी। हाँ बताइए। ये वीडियो देखिए। हेलो क्या जो सर क्या हुआ? देखिए ना अंदर से कुछ बहुत तेज गिरने की आवाज आई थी। वीनू दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। वीनू विनीता क्या हुआ?
फोन जो सर डॉक्टर को फोन करो ना डॉक्टर को फोन करो बेटा बेटा तुम ठीक तो ना बेटा देखिए मीनू मीनू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कहने पर आप आए और घर की इज्जत का लिहाज किया पापा भी जिंदा है क्या जरूरत थी ये सब बेवकूफी करने इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुमने एक बार भी नहीं बताया बताओ बताओ बेटा कौन है वो लोग तुम्हें मेरी कसम है बताओ कौन है वो लोग बेटा पापा मैं जय नाम के लड़के के साथ चैट करती थी मैं कभी उससे मिली नहीं थी पता नहीं उसने कब मेरी वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करने लग गया फिर मुझे पेपर्स चुराने के लिए बोला उसने पर जब फिर से क्वेश्चन पेपर आपने चेंज कर दिए तो उसने मेरे साथ गॉड अपना बदला लेने के लिए इतनी घिनौनी हरकत करेगा हमें पुलिस के पास जाना चाहिए ज्योत्सना वो बहुत पावरफुल लोग हैं बड़े बाप की औलादे हैं हम पुलिस के पास जाएंगे तो मामला और टूट पकड़ेगा बस और इस बात को बार बार उछाल कर हम अपनी बेटी को तकलीफ ही देंगे नहीं मैं अपनी बेटी की इज्जत सरेआम नहीं उछाल पा सकता मैंने एक फैसला कर लिया मैडम जिस आईपी एड्रेस से वीडियो जारी हुआ था उसकी इंक्वायरी हो गई है पता चल गया उसको हमने आसपास के थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया है जो एजेंसी सिटीजनशिप कार्ड जारी करती है उससे भी बात हो गई है लड़की की आइडेंटिटी का जल्दी पता चल जाएगा सबसे पहले एक काम करो एक नोटिस जारी करो कि जिन जिन के मोबाइल पे ऐसे वीडियोस आ रही है ऐसे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं वो तुरंत थाने में संपर्क करें और ये वीडियोस जो फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपने मुझे बुलाया था जी वर्षा जी मैंने रिजिग्नेशन लेटर रख दिया आप मैनेजमेंट कमेटी को दे दीजिए सर क्या ये जरूरी है और कोई रास्ता नहीं था बीनू जल्दी बाहर आओ पापा आ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं हम ठीक तो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा हारने से बड़ा पाप है मैदान छोड़कर भाग जाना हम इस अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे और गुनहगारों को उनकी सजा देंगे तुम अंदर जाओ बीनू मैं देखती हूँ हमें आपकी बेटी से मिलना है हम महिला आयोग से आए हैं हमें पता चला है कि आपकी बेटी की कोई वीडियो वायरल हुई है तो बस हम कौन है सब कौन है ये लोग जी हमें अरे बात सुनिए आप लोग कहाँ क्या कर रहे हैं क्या आप यहाँ पे जी हमें खबर मिली है कि कुछ दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करके उसकी वीडियो वायरल की है तो बस हम आपकी मदद के लिए आए हैं सर जी आप लोगों को गलतफहमी हुई है ये गलत खबर है आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज समझ ही नहीं रहे आप लोग आप लोगों ने जो वीडियो देखी वो सच है और वो वीडियो मेरी है अंदर जाओ नहीं पापा नहीं मैडम जो कह रही है सही कह रही है हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे उन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी कल को कोई और प्रिंसिपल कोई और लड़की इनकी गंदी मानसिकता की शिकार बनेगी आप ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला आप अपनी जॉब छोड़ दोगे मैं अपनी जान दे दूंगी इससे क्या हासिल हो उदय विकास और प्रफुल्ल
आपत्तिजनक वायरल वीडियो के केस के सिलसिले में विक्टिम लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस और महिला आयोग की मदद से आज 3 गुनेगार पकड़े जा चुके हैं। बेटा शायद उन लोगों को सजा मिल भी जाए, लेकिन ये समाज उस गलती की सजा देकर तुम्हें जीने नहीं देगा जो तुमने की नहीं। ये समाज हमेशा दो मुंह की बातें करता, कसूर किसी ने भी किया लेकिन कसूरवार हमेशा लड़की को ही ठहराया जाता। बेटा बेटा मैं भगोड़ा नहीं हूं, नहीं हूं भगोड़ा, लेकिन तुम्हारी इज्जत तुम्हारे भविष्य को देखते हुए मैं ये निर्णय ले रहा हूं, हम लोग ये शहर छोड़ देंगे, चले जाएंगे यहां से। आइए आप लोग सब लोग चलिए। बहुत बहादुरी दिखाई तुमने, ऐसे गुनेगारों को ना सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो। ये आप लोग बैग लेके कहाँ जा रहे हो? देखिए आप सब ने इसे मेरी बेटी की बहादुरी समझा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप सर, इसमें आपकी और विनता की थोड़ी कोई गलती है। हरिओम जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप कहीं मत जाइए। विनीता की जरूरत है हमारे समाज को, हमारे स्कूल को, जो आगे वाले भविष्य को साहस सिखाए। विनीता ने हिम्मत दिखाई और उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई और उन गुनहगारों को कानून के हवाले कर दिया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इन मामलों में लगभग हर माता पिता अपने बेटी की बदनामी के डर की वजह से इन गुनहगारों को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना उचित होगा? महिला आयोग ने सतर्कता दिखाकर इस समाज में एक मिसाल कायम किया कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा हो और अगर आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो तो ये प्रशासन आपके साथ है। अपने प्रिंसिपल से बदला लेने के लिए प्रफुल और उसके दोस्तों ने जो कुछ भी किया वो निंदनीय है, लेकिन साथ साथ उन माँ बाप के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आने देने के लिए उन्हें वास्तविकता से दूर रखते हैं। प्रफुल और उसके दोस्तों ने मनमानी करने के लिए सबसे पहले एक गरीब चौकीदार को डराया धमकाया, अपने प्रिंसिपल से बदला लेने के लिए विनीता को ब्लैकमेल किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नतीजा आज प्रफुल, उदय और विकास जेल के सलाखों के पीछे है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं कि आप हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे और अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा हो तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, डटकर उसका मुकाबला कीजिए। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।